एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएन अंडरपुन डॉट। कैसे हैं आप लोग? एक और नया दिन और एक और नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। और आज है महाछठ पूजा का पहला दिन, आज है नहाए खाए, तो मैं भी नहा चुकी हूँ, पूरा किचन धो लिया है मैंने। और आज बनता है लौकी लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात, तो वो मैं बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ। पूरा किचन धुल चुका है, शुद्ध हो चुका है और गंगा जल भी मैंने छिड़क दिया है, तो मैंने भात का आधन रख दिया है। और आज जो भी चीज़ें यूज होंगी बिल्कुल नया, मतलब बिना डेली यूज के बर्तन में नहीं बनेगा। तो ये भी जो मेरा छठ पूजा का बर्तन है वही बर्तन है, तो उसमें मैं आज सारा कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं और जल्दी से नहाए खाए का पर्व करते हैं आज, और महाछठ पूजा की शुरुआत करते हैं। तो मेरा खाना तैयार हो चुका है और मैं खाने बैठ चुकी हूँ। और खाने में मेरे हैं अरवा चावल का भात, चने का दाल, लौकी की सब्जी और ये है गोभी आलू की सब्जी। बहुत ही सादा खाना है और ये सादा इसलिए क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं डाला गया है। और आज का नहाए खाए का पर्व, ये महाछठ पूजा का पर्व, ये खाने के साथ शुरू होता है। तो चलिए इस महापर्व की जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए और चलिए साथ में इस जर्नी को शुरू करते हैं। चार दिन का पर्व है, आज पहला दिन है, तो चलिए मैं इस खाने को खाती हूँ और अपने आप को शुद्ध करती हूँ और छठी मैया को याद करके उनसे प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरी ये मेरा ये व्रत स्वीकार कीजिएगा और सफल बनाइएगा। बहुत ही सादा खाना है बट इसका स्वाद इतना बढ़ गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी लग रहा है जबकि बिल्कुल सिंपल और सादा खाना बना हुआ है। बहुत ही टेस्टी। तो मेरे बर्तन सारे सूख चुके हैं, छठ पूजा के ये सारे बर्तन हैं। अब मैं इसको अंदर रख देती हूँ, तो चलिए अंदर रखते हैं इसे। तो यहाँ मैं छठ पूजा करूंगी और ये रूम को मैंने पूरा खाली कर दिया है। उधर नहीं जा रहा, चीटिंग चीटिंग नहीं, मैं नहीं मारूंगा। अरे तो सेफ जोन में चली गई। मम्मी कहीं तो पैंट तो मैंने ऑल सेट कर दिया है, बर्तन सारे सूख चुके हैं तो इनको यहाँ पे रख दिया है। और जो भी सामान आएंगे, तो जो भी फल वल और भी आएंगे, तो उनको मैं उनको भी धो धो के फिर ये दौरा हम लोग सूख बुझ सजाएंगे। तो शाम हो चुकी है, पूरा दिन बीत चुका है और कल है खरना, यानी खरना के दिन हम लोग रसिया और रोटी, गुड़ वाली खीर और रोटी बनाते हैं। तो वो वाला वो होगा, पूरे दिन का फास्टिंग होगा, निर्जला पूरे दिन का व्रत होगा और शाम को जब हम लोग ये बनाएंगे तो यही मीठा खा के हम लोग रहेंगे। आज लास्ट था, आज ही तक हम लोग नमकीन खा सकते थे, यानी नमक खा सकते थे। उसके बाद कल और उसके बाद कल है 19, 20 और 21 को जाके फिर हम लोग पारण करेंगे, तो उस दिन हम लोग खाना खाएंगे कुछ भी। बट कल और परसों हम लोग टोटली, कल तो फिर भी हम लोग को मीठा खाना है बट परसों हमको कुछ नहीं खाना है, पानी तक नहीं लेना है। ये होता है चार दिन का छठ व्रत और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही श्रद्धा, जितनी बार मैं करती हूँ हर बार मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है छठी मैया के लिए, भक्ति बढ़ती जाती है छठी मैया के लिए। एक सेकेंड के लिए भी फील नहीं होता है कि मैं ये व्रत बहुत ही कठिन है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। हर साल एक नई एनर्जी फील होती है बॉडी में, कि एक उत्साह फील होता है कि मुझे छठ व्रत करना है। हर साल मुझे यही फीलिंग होती है कि मुझे ये करना है और बहुत ही भक्ति के साथ करना है, सच्चे मन के साथ करना है। छठी मैया को बहुत सारा प्यार देना है और उनसे बहुत सारा प्यार लेना भी है।
तो आज दिन के शुरुआत में सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के मैंने वॉक करने गए थे, हम लोग वॉक करके आए और उसके बाद मैंने पूरे किचन की धो दिया, पूरा किचन मैंने चूल्हा वाला पूरा धो दिया, फ्रिज भी धो दिया था और फिर घर में भी झाड़ू पोछा करके फिर मैं छत पे गई, छत पे भी झाड़ू पोछा कर दिया, जितने बर्तन थे मैंने ऑलरेडी धो दिया था बट एक बार दोबारा से मैंने धो दिया। वेदिका यहाँ लाइट लेके खड़ी है, वेदिका वहाँ बैठो, दिखाई दे रही हो तुम कैमरा में, उधर उधर दूर दूर, तुम्हारे हाथ दर्द हो जाएंगे। नहीं, उसको लाइट लेके ही खड़ा होना है, मेरे फेस पे लाइट दे रही है तो उसको छोटा सा, उसके दादाजी ने उसको एक छोटा सा लाइट दिया था, वो ये वाला देखिए, ये छोटा सा दादाजी ने लाइट दिया था वो लेके, आज उसको मिल गया है तो वो लेके खड़ी है और लाइट दिखा रही है। तो पूरा छत मैंने बर्तन को धो दिया था मगर आज फिर मैंने दोबारा से पूरे बर्तन को धो दिया क्योंकि आज उसी बर्तन में खाना बनाना था, जो लौकी भात और चने की दाल मैंने बनाई थी तो वो उसी बर्तन में, क्योंकि डेली यूज़ वाले बर्तन तो बहुत तरीके के खाने में यूज़ होता है तो उसे बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया और वही बर्तन लेके आई, जो दो चार बर्तन जो थोड़े से थे वही मैं लेके आई और उसी में मैंने खाना बनाया और वही थाली में मैंने खाना खाया। तो आज का दिन इस तरह से ही समाप्त हो गया और कल है खरना, उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और कल नया दिन आएगा और देखिए क्या क्या लेके आता है। पास में ही हमारे सीमापुरी है, वहाँ पे आप जाइए तो छठ पूजा का सारा सामान मिल जाता है, मतलब ए टू जेड जो भी आपको चाहिए होगा सब कुछ, सूप, आपका ईख, जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, फल फूल तो है ही, सब्जी तो है ही और उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होता है, सुथनी हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो वो बेचते हैं, पूरा सेट बना के ही बेचते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिलने लग गया है, छठ पूजा का सारा सामान सब कुछ मिलने लग गया है तो अब सुविधाएं बढ़ गई हैं, पहले बहुत ही कष्ट से, मतलब बहुत बड़ा पर्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी और इसमें सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सारे इस पर्व को महापर्व कहा जाता है, इसमें सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जो भी छोटी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों का यूज़ होता है। वेदिका तुम एक्साइटेड हो छठ पूजा के लिए? ब्लू ड्रेस ही पहनना है। ब्लू ड्रेस तो लास्ट ईयर जब आप हमारे MN लाइव पे वीडियो देखेंगे तो लास्ट ईयर भी वेदिका ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, उसे ब्लू कलर फेवरेट है उसका वैसे, तो वो जो ड्रेस है ब्लू कलर का वेदिका का फेवरेट है तो वेदिका वही ड्रेस फिर बोल रही है कि मुझे भी वही पहनना है। और जब आप लास्ट ईयर का वीडियो देखेंगे जो MN लाइव पे बना हुआ है तो उसमें भी वेदिका ने ब्लू कलर का ड्रेस पहन के डांस कर रही है, यूनिक डांस कर रही है। पहले नहीं पहना था, अब पहन लिया। अच्छा वो दादी पहना दी थी। हाँ, दादी पहनाई थी। अच्छा, और हर साल मम्मी पापा जी आते थे दिवाली पे और छठ पूजा हमारे साथ, दिवाली छठ पूजा सब कुछ हम लोग एक साथ मनाते थे यहाँ पे, बट कोरोना की वजह से अभी जर्नी करना पॉसिबल नहीं है और ज़्यादा अच्छा है कि सेफ रहा जाए, जितना बच के रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। और पर्व का क्या है, हर साल आ जाता है और इस साल मुझे अकेले ही करना पड़ेगा मगर कोई बात नहीं, वो मुझे वहाँ से ही आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छे से अब तुम अपना पर्व पूरा करो। और आज के डिनर में भी वही है, लौकी ही खाएंगे हम लोग और रोटी बनाऊंगी मैं, चावल नहीं रोटी बनाऊंगी। लौकी खाने से शुद्ध हो जाते हैं इसलिए आज के दिन लौकी खाया जाता है। लौकी खा के तो आज के डिनर में भी लौकी है, लौकी और रोटी मैं यही खाऊंगी और इनके लिए तो है ही चावल और सब्जी भी है, गोभी आलू का चावल खाना, चावल थोड़ा सा है और दाल भी है तो अभी सुबह वाला खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए फ्रेश बनाऊंगी रोटी और लौकी की सब्जी। इस टेडी पे लेटने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारा डिनर हो चुका है, सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग सोने जा रहे हैं, रात काफ़ी हो चुकी है और वेदराज अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ के फिर सोएगा। और आज इस तरह से आज का दिन खत्म हुआ और छठ पूजा का पहला दिन खत्म हुआ, कल है दूसरा दिन खरने का और खरना का भी सुबह से फिर तैयारी करना होगा, थोड़ा बहुत कुछ कुछ खरीदना है पूजा का ही तो वो भी लेने सुबह हम जाएंगे। कल का पूरा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कल हम क्या क्या करेंगे। तो आज चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप लोग जाने से पहले दो तीन काम कर लीजिए, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर चलती हूँ, बाय बाय।